मंथन के मुंडिया पटोला बन के कन्ना दे विच पिपल पत्तिया पाही चूड़ा खन के मंथन के मुंडिया पटोला बन के कन्ना दे विच पिपल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज है पूजा मटकोर और आज 1 मई है और अभी यहाँ पे प्रसाद बनेगा। जिस दिन शगुन कुट आया था ना, उस दिन ही ये चूल्हा बना हुआ था, आप लोग देखे होंगे। तो आज उसी चूल्हे पे प्रसाद बनेगा और प्रसाद बनाने से पहले चूल्हे का पूजा किया जाता है। तो अभी मेरी फुआ पूजा कर रही थी, इतना बच्चा लोग हल्ला कर रहे हैं ना कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं क्या बोल रही हूँ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आप लोगों से बहुत सारे काम है। क्या कर रही थी शानी? मासी किधर है? मासी, हाँ ऊपर है। तो यहाँ पे प्रसाद बनाया जाएगा, शाम को पूजा होगा ना सत्यनारायण भगवान का, तो उसके लिए प्रसाद यहाँ पे बन रहा है, बन नहीं रहा है, बनने जा रहा है। अभी मैं छत पे आ गई हूँ और छत पे मड़वा बनाने की तैयारी हो रही है। तो आज है पूजा मटकोर और पूजा मटकोर के दिन ही मड़वा बनाया जाता है। हम लोग इसे मड़वा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग के यहाँ ये ऐसा नियम होता है या नहीं, आप लोग के घर में बनता है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ मड़वा बनाया जाता है। लड़की की जब शादी होती है तब मड़वा बनाया जाता है। शादी के बहुत सारे रस्म होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं और सब लोगों की शादी अलग अलग रीति रिवाज से होता है। और हमारे यहाँ शादी होती है तो गांव का जो गाना होता है वो भी गाया जाता है। तो कच्चा बांस जो होता है ना, उसे काट के लाया जाता है और उसी से मड़वा बनता है। तो देखिए यहाँ पे अंकल लोग बना रहे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे नियम होते हैं। अगर मैं वीडियो बनाने लगूँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, बहुत सारे काम थे, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो छत पे अभी मड़वा पूरा तैयार नहीं हुआ था, मैं यहाँ पे आ गई प्रसाद बनाने क्योंकि सत्यनारायण भगवान का पूजा है और उससे पहले शिव चर्चा भी होगा। मम्मी शिव गुरु का पूजा करती है तो वो भी पूजा होगा, फिर उसके बाद सत्यनारायण भगवान का पूजा होगा। तो यहाँ पे चूल्हे पे बन रहा है प्रसाद। तो अभी यहाँ पे रोटी का जो लड्डू बनता है ना वो बनाया जा रहा है। तो मैं रोटी बेल बेल के दे रही हूँ, चाची बना रही है और प्रीति बैठ के तोड़ रही है। तो सब लोग मिलकर बनाएंगे तो जल्दी बन जाता है। अभी यहाँ पे मड़वा रेडी हो गया है, तो मड़वा को खड़ा कर दिया गया है, चार कोन पे चार बांस को लगा दिया गया है और एक ये पांचवा बांस है जो कि बीच में रहता है। तो इस बांस को ना काजल पहले पूजा करेगी, फिर उसके बाद मतलब इसे लगाया जाएगा। तो ये धरती में मतलब मिट्टी खोद के फिर उसके बाद लगाया जाता है। तो छत पर तो मिट्टी तो है नहीं, तो देखिए यहाँ पर पापा ने किस तरह से जुगाड़ किया है। अभी यहाँ पे शिव चर्चा हो रहा है, मतलब शिव गुरु का पूजा हो रहा है और शिव गुरु का पूजा खत्म होने के बाद तुरंत सत्यनारायण भगवान का कथा चालू हो जाएगा। शिव गुरु का पूजा ख़त्म होते ही अभी यहाँ पे सत्यनारायण भगवान का पूजा स्टार्ट हो गया है और ये पूजा दरवाजे पे ही किया जाता है। और ये पूजा जब ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग बाहर निकलेंगे, मतलब माटी खोदने जाएंगे काजल के साथ। तो रात के टाइम में मतलब ये पूजा ख़त्म होते होते रात हो जाएगा। आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, मैं ये सब वीडियो खुद से नहीं बनाई थी, मैं किसी को दे दी थी बनाने के लिए। तो जैसे तैसे सब बनाया है वीडियो, बस मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
वैशाख मास कृष्ण पक्ष पंचम नाम श्री। अभी द्वार पे सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा है और पूजा खत्म होने से पहले एक और नियम होता है। तो यहाँ पे देखिए काजल बैठी हुई है और काजल के ससुराल से धान आता है और उस धान से लगन चुमाया जाता है। पता नहीं आप लोग के यहाँ ऐसा नियम होता है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ होता है। तो इस नियम को लगन चुमाना बोलते हैं। तो लड़का के यहाँ से भी धान आता है और सेम वैसा ही लड़की के यहाँ से भी लड़का के घर जाएगा धान, तो वहाँ पे लगन चुमाया जाएगा लड़का का। तो ऐसा नियम दोनों जगह पे होता है। तो पहले तो लड़की का होता है, फिर उसके बाद लड़का का होता है। माटी खोदने जाना है। तो आज पूजा मटकोर है, बहुत देर बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। और आज मैं ये वाला साड़ी पहनी हूँ और ये वाला ज्वेलरी पहनी हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से, क्योंकि सब लोग रेडी हो गया है, अभी निकल रहा है। अभी हम लोग घर से बाहर निकल गए हैं माटी खोदने के लिए। माटी खोदने से पहले यहाँ पे देखिए आंटी जी पूजा कर रही है। तो ढोलक का पूजा किया जाएगा, जो ढोलक बजाने वाले अंकल होते हैं ना, उनका ढोलक का पूजा किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग माटी खोदने के लिए निकलते हैं और वो उसके बाद ढोलक बजाते हुए चलते हैं। पता नहीं ऐसा कुछ नियम होता है। तो यहाँ पे वही आंटी जी पूजा कर रही है। मिट्टी खोदने वाला रस्म हो गया। उसके बाद तेल और सिंदूर दिया जाता है सारे सुहागन औरतों को। उसके बाद प्रसाद दिया जाता है। और यहाँ देखिए काजल के फ्रेंड लोग हैं, तो बस यही कुछ फ्रेंड आए थे काजल के। अभी यहाँ पे हल्दी वाला रस्म होगा। और कुछ टाइम पहले जो वीडियो आप लोग देखे हुए थे, उस दिन हम लोग हल्दी सेलिब्रेशन किए थे। तो
तो वो तो हम लोग ऐसे ही हल्दी सेलिब्रेशन किए थे, लेकिन रियल का जो हल्दी चढ़ाना होता है ना वो आज होता है, पूजा मटकोर के दिन होता है। तो बहुत सारे फ्रेंड लोग का कमेंट आ रहा था कि दीदी आपके घर में मतलब पहले हल्दी वाला रस्म हो जाता है क्या, तो वैसा नहीं होता है। उस दिन शगुन कुट आया था, शगुन मतलब शादी से 5 दिन पहले कुट सकते हैं या फिर 7 दिन पहले या फिर 8 दिन पहले, ऐसा होता है। तो 5 दिन पहले मेरी मम्मी शगुन कुटी हुई थी, तो उस दिन हम लोग हल्दी वाला सेलिब्रेशन किए थे। लेकिन हल्दी रियल में जो चढ़ाया जाता है वो आज होता है, शादी से 1 दिन पहले पूजा मटकोर के दिन होता है। तो सब लोगों के घर में ऐसा ही नियम होता है, मेरे घर में भी ऐसा ही होता है। लेकिन मैं उस दिन जो वीडियो डाली थी ना, तो उसमें मैं खोलकर नहीं बताई थी, मुझे लगा कि शायद आप लोग समझ पाएंगे, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड लोग नहीं समझे, तो लोग बोल रहे थे, कमेंट किए हुए थे, तो मैं सोची चलो आज बता देती हूँ। मेन जो हल्दी का जो रस्म होता है ना वो आज ही है, अभी जो हल्दी चढ़ रहा है ना हम लोगों का ऐसे ही हल्दी चढ़ाया जाता है, और पूजा मटकोर के दिन ही हल्दी चढ़ाया जाता है। तो हल्दी लगने के बाद आज के सारे रस्म ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद काजल खाना खा लेगी क्योंकि आज के दिन फास्ट रखा जाता है। तो अभी तक काजल खाना नहीं खाई है और अभी पूरा रस्म ख़त्म ही हो गया, तो अभी खाना ही खाना बाकी है। पहले लड़का लोग लगाता है हल्दी, फिर उसके बाद लड़की लोग लगाती है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, थोड़ा थोड़ा सा क्लिप ले ली थी, तो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। कल के ब्लॉग में मिलते हैं, कल काजल का शादी है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे, वीडियो सबसे पहले आप देख पाए।